प्यारे बच्चों, आज हम क्लास सिक्स में बता रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज 6.2 पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट एन इंटीजर रेंज इज। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 3 मोर देन 5। यहां हमने लाइन की ऐसे करके ये 0 हो गया, 3 मोर देन 5, 5 हमने 1 2 3 4 5, आगे 6 7 8 9 10 ऐसे कर दिया हमने। 0 से राइट हैंड की तरफ प्लस में होगा, 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस में होगा, क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आ जाएगा। क्या कह रहा है ये, 3 मोर देन मतलब 3 अधिक, 3 मोर देन, जहां भी मोर देन आएगा उसके लिए मतलब अधिक होगा और लेस देन के लिए कम होगा। क्या हो जाएगा, 3 मोर देन 5। तो पहले हम 5 लेंगे, 5 तुम्हारा यहां तक हो गया, यहां तक हो गया 5। अब ये कह रहा है 3 मोर देन 5, इसके आगे हम 3 और ले लेंगे तो 1 2 3 यहां तक आएगा, 3 तो हो गया हमारा 5, और मोर देन 5 ये 3 मोर देन 5 देन 5 हो गया, और यहां प्लस 3 हो गया, ये क्या हो गया 8 हो गया। क्लियर हो गया, 3 मोर देन 5 का मतलब हो गया 5 + 3 = 8। ये सेकंड रहा है 5 मोर देन -5। ये नंबर लाइन खींची हमने, 0 हो गया, अब -5 के लिए कह रहा है तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, इधर प्लस आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगा इधर। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 मोर देन -5, तो -5 तो यहां तक हो गया हमारा, यहां तो हो गया -5, उसके बाद क्या कह रहा है 5 मोर देन -5 मतलब -5 से 5 अधिक, 5 अधिक यहां से भी इधर जाएगा, ये आ गया, ये तो हो गया -5 और ये हो गया +5, तो क्या हो जाएगा इधर -5 मोर देन प्लस होगा = 0। ठीक है, अब आता है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में है 6 < 2 ऐसे आएगा, 0 हो गया ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो गया, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे होगा। ये सभी बराबर बराबर गैप में होंगे, 1 2 3 सबके बीच में यह बराबर होना चाहिए। अब ये 6 < 2 पहले हम 2 करेंगे, यहां से हम 2 इधर गए, ये हो गया हमारा, ये हो गया 2। ठीक है, इधर को आए, अरे कह रहा है 6 < 2 मतलब यहां से 6 कम करना है, तो 6 कम कहा होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 यहां आएगा, ये हो जाएगा, तो यहां से गए हम इधर ऐसे आए, ये 6 < 2 तो -6 हो गया। क्या हो जाएगा, 2 माइनस, लेस के लिए माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा -4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसका बी क्वेश्चन है, ABCD है, A, B और C। क्वेश्चन डी क्या हमारा 3 < -2 तो पहले लाइन खींचेंगे, यहां 0, इधर राइट की तरफ प्लस में आएगा 1 2 3 4 5, और लेफ्ट में माइनस आएगा -1 -2 -3 -4
माइनस फाइव ऐसे आएगा तो ये है थ्री प्लस है माइनस टू माइनस टू माइनस टू वाला यहां से इधर आएगा जीरो से ये हो गया माइनस टू वाला क्या कह रहा है थ्री लेस देन माइनस टू मतलब माइनस टू से तीन और कम तो क्या हो जाएगा हम यहां से इधर आएंगे एक दो तीन यहां तक आएंगे ऐसे करके आएंगे इधर को ये भी ऐसे है तो क्या हो जाएगा ये हो गया माइनस थ्री क्या हुआ ये माइनस टू लेस देन माइनस थ्री मतलब थ्री लेस देन माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस के फाइव ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड सेकंड है यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स नंबर लाइन के ऊपर इसको दिखा के प्लस करना है कैसे दूसरे का ए सेकंड का ये है हमने नंबर लाइन खींच ली कोई जीरो ले लिया वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे आ गया इधर माइनस में आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट क्या है नाइन प्लस माइनस सिक्स तो देखो नाइन हम यहां चलेंगे जीरो से हम चलेंगे हमेशा जीरो से ही चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो जीरो से स्टार्ट करेंगे अगर प्लस में है तो जीरो से राइट में जाएंगे अगर माइनस है तो जीरो से लेफ्ट में आएंगे क्या है ये हमारा नाइन प्लस माइनस सिक्स तो हम जीरो से लेफ्ट में नाइन प्लस की तरफ तो यहां से हम इधर आए राइट की तरफ नाइन तक इधर गए हम यहां पे नाइन अब प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस सिक्स इसका मतलब हम प्लस में चलना है तो राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे और माइनस में चलना है तो हम लेफ्ट में चलेंगे और यहां से हमको चलना है प्लस माइनस सिक्स माइनस में पीछे को आना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां तक आए हम थ्री तक पीछे की तरफ लौटे इधर साइन हो गया एन होगा ये हो गया माइनस सिक्स तो ये क्या बचा देखो जीरो से यहां तक कितना बचा वन टू थ्री थ्री हो जाना तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू थ्री ठीक है इस तरह से हमारा हो गया। अब बी बी वाला है फाइव प्लस माइनस इलेवन फाइव प्लस माइनस इलेवन क्या करेंगे नंबर लाइन खींचेंगे पहले हम यहां हमारा जीरो हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे ले लेंगे इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट और माइनस नाइन आगे कितना भी ले लेंगे अब है फाइव प्लस माइनस इलेवन तो फाइव जीरो से चलेंगे राइट में प्लस का इसीलिए तो यहां से हम गए फाइव तक ये हो गया हमारा ऐसे गए हम ये हो गया हमारा फाइव अब प्लस माइनस इलेवन इसका मतलब हमें फाइव से माइनस लाना है इसीलिए हम चलेंगे लेफ्ट में प्लस होना है तो राइट में चलेंगे और माइनस होगा तो लेफ्ट में आएंगे यहां से हम चलेंगे इलेवन कितना हो जाएगा देखो ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सिक्स में आएगा माइनस सिक्स का तो माइनस सिक्स के आगे हम ऐसे लाइन कर देंगे यहां से ये हो गया यहां से हम चले इधर को आए यहां से तो इधर गए यहां से हम इधर को आए हमने एरो का साइन लगा दिया जिधर को चल रहे हैं उधर का एरो का साइन लग जाएगा ये हो गया हमारा माइनस इलेवन अब भाई यहां से इधर गए हम फिर यहां से इधर आए इलेवन तक तो जीरो से लेके और यहां तक कितना गैप हो गया हमारा देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या हो गया माइनस सिक्स ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। इस तरह से हम इनको नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। अब सी आएगा माइनस वन प्लस माइनस सेवन माइनस वन प्लस माइनस सेवन नंबर लाइन खींचेंगे एक हम
ये प्लस वन होगा राइट की तरफ, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे प्लस में होगा, और इधर आएंगे तो हमारा राइट राइट लेफ्ट में आएंगे तो माइनस का होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन। अब देखो ये माइनस वन है तो हम जीरो से माइनस वन की तरफ आएंगे, यहां आ गए इधर आ गए माइनस वन, अब प्लस माइनस सेवन वन तक आ गए, जहां हम पहुंचे वहीं से तो आगे चलेंगे, तो यहां से माइनस सेवन गिनो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहां आ गए माइनस एट पर, ऐसे आए तो यहां से चले हम, यहां से हमने स्टार्ट किया चलना जीरो से माइनस वन पर आ गए, उसके बाद में माइनस पर चले तो माइनस के लिए लेफ्ट में आएंगे तो कितना आ गए हम क्यों फुल लागे जीरो से, और हम लास्ट में कितना आ गए माइनस एट, कितना हो गया माइनस का एट हो गया, इसीलिए इसका आंसर माइनस वन प्लस माइनस सेवन इक्वल टू माइनस एट। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही ई क्वेश्चन आएगा, ई हमारा नहीं डी है, डी है माइनस फाइव प्लस टेन, माइनस फाइव प्लस टेन, तो माइनस फाइव जीरो से रहेंगे क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव, ये आ गया हमारा यहां तक आ गए, पहले हम यहां से इधर आए माइनस फाइव, अब है प्लस टेन, प्लस का है तो राइट में चलेंगे, यहां से गिनो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहां तक आ गए फाइव तक, पहले इधर आए हम उसके बाद यहां से इधर गए तो क्या हो गया ये, अब जीरो से लेके और लास्ट जहां हम जहां लास्ट में पहुंचे हैं वहां देखते हैं कितने का गैप है, कितना हो जाएगा यहां से जीरो से वन टू थ्री फोर फाइव, क्या हो गया माइनस फाइव प्लस टेन इक्वल टू फाइव, ये हो गया क्लियर हो गया। अब आता है ई वाला, ई वाला क्या है, ई है हमारा माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, माइनस वन तो जीरो से लेंगे हम, जीरो से माइनस वन हमारा यहां आ गया, इधर को आए हम, फिर माइनस के टू है, माइनस टू है इसका मतलब प्लस में करना है माइनस टू, तो हम लेफ्ट में आएंगे, माइनस टू क्या हो जाएगा वन टू यहां आ गए माइनस थ्री पर आ गए, और फिर माइनस थ्री करना है प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री यहां से आगे बढ़ेंगे तो वन टू थ्री यहां पर माइनस सिक्स पर, ये भी हमें ऐसे आए, ये माइनस वन हो गया, ये माइनस टू हो गया, ये माइनस थ्री हो गया, क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सिक्स, क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट अब आता है हमारा एफ, एफ क्या है माइनस टू प्लस एट प्लस माइनस फोर, ये है माइनस टू प्लस एट प्लस माइनस फोर, पहले माइनस टू करेंगे हम जीरो से, क्या हो जाएगा माइनस टू यहां आएगा हमारा, ये आ गया माइनस टू, अब प्लस का एट है, प्लस का एट है इसका मतलब हम राइट में जाएंगे, यहां से करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहां हो गया सिक्स पे आ गए हम, ये हो गया हमारा प्लस का एट, अब प्लस में माइनस फोर करना है, माइनस फोर पीछे करेंगे तो माइनस फोर यहां से करेंगे वन टू थ्री फोर टू का आ जाएंगे, ये हो गया माइनस फोर, कितना हो गया देखो हमारा, अब यहां हमारा ट्वेंटी टू पॉइंट है हमारा टू पॉइंट है, अब जीरो से लेके और हम टू तक कितना बढ़े, जीरो से लेके और यहां तक कितने का गैप है वन टू टू का गैप है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर
माइनस टू प्लस एट प्लस माइनस फोर इक्वल टू हमारा हो जाएगा टू। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे।